ये तीनों शब्द ना मेरे फेवरेट हैं बहुत आसान लगते हैं लेकिन बहुत कन्फ्यूजिंग है द ए एंड दे अक्सर इनकी प्रोनंसिएशन इतनी सिमिलर हो जाती है दैट यू आर ऑफन कन्फ्यूज वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग दैम सो वी हैव द विद ई आर ई वी हैव विद ई आई आर एंड वी हैव दे अपोस्ट आर ई तो अक्सर ई e आर ई -E और ई आई आर वाले देर में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं बट मैंने इस लिस्ट में दे अपोस्ट r e आर ई भी इंक्लूड कर लिया है क्योंकि अक्सर ये कारण बनता है फॉरेनर्स की कन्फ्यूजन के लिए भी बिकॉज उनके लिए भी तो एक लैंग्वेज ही है ना और लैंग्वेज बैरियर किसी को भी हो सकता है सो so, देर मतलब इन या उस जगह इन दैट रिस्पेक्ट भी यूज़ होता है टू अट्रैक्ट समटेंशन भी होता है हिंदी में कहा जाए तो वहाँ और उधर इन दैट रिस्पेक्ट मतलब उस पॉइंट पे ठीक है और टू अट्रैक्ट अटेंशन मतलब किसी को बुलाना या किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना अब ध्यान खींचना जो है ना एक्चुअली थोड़ा सा फ्रेजल है एग्जाम्पल देख लेते हैं डोंट वरी आई विल स्टे देयर फॉर फोर डेज यानी मैं वहाँ चार दिनों के लिए रहूँगी दूसरा देर इज़ अ स्कूल इन सेक्टर थर्टी सिक्स वहाँ पर सेक्टर थर्टी सिक्स में एक स्कूल है तीसरा आई एग्री विद यू दैर बट लेट्स एड मोर रिसर्च टू आर्ग्यूमेंट यानी मैं इस जगह पर तुमसे आग, अग्री करती हूँ लेकिन थोड़ा और रिसर्च ऐड कर लेते हैं चौथा हेलो दैर अब हेलो दैर जो है ना वो थोड़ा फ्रेजल यूसेज है जब आप किसी की अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं सेकेंड वी हैव टी एच ई आई आर वाला यानी किसी और का Belonging to someone else, associated with someone else, उनका ठीक है E-I-R से याद रखिएगा उनका किसी और का तो जब आप किसी और को रेफ़र करेंगे तो T-H-E-I-R यूज़ करेंगे और जब आप उधर या वहाँ रेफर करेंगे तो T-H-E-R-E यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल द पैलेस इज़ देयर मोस्ट प्राइज पोजेशन यानी वो जो महल है उनका सबसे अजीज़ पोजेशन है उनका ठीक है बी टी एस रॉक्स इट इज़ देयर स्टाइल टू बी क्यूट अट्रैक्टिव एंड स्वीट एट एट द सेम टाइम यानी बी टी एस बहुत सही है ये उनका स्टाइल है कि वो क्यूट भी होते हैं अट्रैक्टिव भी होते हैं और स्वीट भी होते हैं एक ही टाइम पर वो ये तीनों क्वालिटीज़ रखते हैं सो so, उनका उनका प्राइस पोजेशन उनका स्टाइल दे आर एक्चुअली जुड़क जाता है जब तब बन जाता है दे पोस्ट ऑफी आर ई यानी वे हैं दे आर सो so, प्रोनासीशन के वक्त ना दे आर दे आर ऐसे बन जाता है सो ऑब्वियसली इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग विद देअर एंड दे आर ठीक है तो इट इज़ यू नो द नेटिव स्पीकर्स जो जल्दी जल्दी बोलते हैं तो वो जब शब्द बोलते हैं तो हमें कभी कभी सुनने में कन्फ्यूजन हो जाता है या लिख हम गलत जगह देते हैं या उसका भाव समझने में गलती हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर एप्सोल्यूटली श्योर दैट देयर चाइल्ड विल विन द कॉम्पिटिशन यानी वो एप्सोल्यूटली श्योर हैं कि उनका बच्चा कंपटीशन जीत जाएगा सेकेंड द ऑलवेज द फेस्ट वांट्स टू रीच एनी फैमिली फंक्शन यानी वो लोग किसी भी फैमिली फंक्शन में सबसे पहले पहुँचते हैं आई होप जो डिफ्रेंसेज हैं क्लियर हो गए हों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब